गाइस आज मैं आप लोग के साथ ये वाला होममेड ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो कि हेयर ग्रोथ के लिए होने वाला है और बिल्कुल इजी वे में मैं इसको क्रिएट करूंगी। एंड या ये जो हमारा ऑयल है गाइस कद्दू का ऑयल है जो होममेड कद्दू ऑयल होगा। कद्दू का ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन हेयर नेल सबके लिए। अगर आप मार्केट में जाते हो तो कद्दू का ऑयल बहुत ही महंगा महंगा आता है जो शायद हर कोई परचेस नहीं कर सकता है। तो आप घर पे इजीली किस तरीके से इसे बना सकते हो आज मैं यही आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हो हमारा ऑयल का कलर भी कितना हद तक चेंज है और ये बिल्कुल जो आपके घर पे कद्दू अवेलेबल होता है आपको उससे क्रिएट करना है। ओके तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने हाफ कद्दू लिया था उसको कट किया था। कद्दू का बीज मेन होता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। अगर उसके बीज को खाया भी जाए तो हमारे हेयर बॉडी स्किन नेल आवर बॉडी के लिए बेटर है गाइज। ओके बॉडी के लिए ये बेनिफिशियल होता है बट आप इसका ऑयल भी बना के यूज कर सकते हो इसको खा भी सकते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं उसका मेन गूदा ज्यादा ले रही हूँ बिकॉज उसमें बीज ज्यादा होते हैं जो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बट मेरा कैमरा अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ओके एंड या मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को दिखाया कि जो कद्दू है नेचुरली हमारे हेयर को ब्लैक भी करता है। मैंने आधा कद्दू कट करके रखा हुआ था और देख सकते हो जहां से भी वो कट हुआ हुआ है वो सब ब्लैक ब्लैक सा हो चुका है। ओके इसी तरह से ठीक इसी तरह से ये हमारे बालों को भी नेचुरली ब्लैक करता है और बिल्कुल नेचुरल शाइन देता है ये। मैंने छिलकों को भी ऐड किया है आपको भी ऐड करना है। एंड या पहले से आप कद्दू को धो के उसको ऊपर से सुखा लेना कोई कपड़ा टॉवल से पोंछ के उसके बाद आपको कट करके मिक्सी में ब्लेंड करना है। आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे इसका कलर कितना चेंज होते जा रहा है बिल्कुल ब्लैक टाइप। ओके आप डबल बॉयलर मेथड से भी बना सकते हो मैं सिंपल वे में बना रही हूँ। मेरा जो कढ़ाई था वो बहुत ही मोटा था तो हीट बिल्कुल नॉर्मल लेगा ये और लो फ्लेम पे मैं इसको बनाऊंगी। आप डबल बॉयलर मेथड यूज कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो ये कद्दू पूरा कलर चेंज हो चुका है अगर इसको थोड़ी देर और छोड़ा जाए तो बिल्कुल ये ब्लैक हो जाएगा। ओके फिर भी मैं उसे आयरन के कढ़ाई में बना रही हूँ लोहे के कढ़ाई में आप किसी और भी बर्तन का यूज कर सकते हो। ओके यहाँ पे मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल क्योंकि मैं ये ऑयल विंटर में बना रही हूँ। अगर आप समर में बना रहे हो या किसी और समय बना रहे हो तो आप कोई और ऑयल का यूज कर सकते हो या फिर अगर आप विंटर में भी बना रहे हो आपका जो फेवरेट ऑयल है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है एंड यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑयल ऐड कर लिया हुआ है जितना भी मुझे चाहिए था और मैंने दो नहीं तीन ऑयल के कॉम्बिनेशन से इस ऑयल को क्रिएट किया है। दूसरा में मैं ले रही हूँ फिगारो का ऑलिव ऑयल या किसी भी अदर ब्रांड का आप सिर्फ ऑलिव ऑयल में बना सकते हो सैसमे ऑयल में बना सकते हो या फिर आप अपना जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें भी बना सकते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है मुझे मस्टर्ड ऑयल सूट करता है और समर विंटर के लिए बेस्ट होता है थिक सा ऑयल होता है एंड थोड़ा सा हीटिंग प्रॉपर्टीज भी उसमें होती है तो ठंड लगने से भी हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है तो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको लो फ्लेम पे बनाना स्टार्ट किया था 20 मिनट के लिए। मैंने इसमें आठ से दस थे कड़ी लीव्स यानी कड़ी के पत्ते भी ऐड किए थे। ओके अगर आपके पास है आप ऐड कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके एंड सारे ऑयल्स को अच्छे तरीके से मिक्स करना है देख सकते हो आप लोग अच्छे तरीके से एंड 20 मिनट के लिए मैं इसे बनाऊंगी और लो फ्लेम पे ही करूंगी। मेरा जो कड़ाही था वो काफी मोटा तले का था तो मेरा जो ऑयल है वो जलेगा नहीं ऑयल के गुण जलेंगे नहीं लेकिन हाँ अगर आपके पास पतले कड़ाही या आप अगर लोहे के नहीं किसी अदर कढ़ाई में भी बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ क्योंकि लोहे की कढ़ाई से नेचुरली हमारे हेयर ब्लैक रहते हैं। ओके तो आप पतला अगर कोई कढ़ाई ले रहे हो या किसी पतले बर्तन में बना रहे हो तो आप डबल बॉयलर मेथड बना सकते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप लोग देख सकते हो इसी तरीके से धीरे धीरे हमारा ऑयल को रेडी होगा और गाइज इसको प्रॉपरली आपको चलाते रहना है ताकि ऑयल बिल्कुल भी जले नहीं और बहुत ही अच्छी सी एक गुडनेस मिले हमारे हेयर को इस ऑयल का प्रॉपरली जो कद्दू की गुडनेस हो वो इस ऑयल में आए। उसके बाद जब हम लोग इस ऑयल को लगाएं तो हमारे हेयर को कद्दू के बीज कद्दू के सारे बेनिफिट्स मिले। ओके एंड देख सकते हो आप लोग ये जो हमारा कद्दू है धीरे धीरे बिल्कुल चेंज होने लगा था ऑयल में इसकी सारी गुडनेस आने लगी थी यहाँ पे आप सब देख सकते हो जैसा कि और ये थोड़ा सा बनने टाइम झाग बनेगा जैसा कि कोई भी ऑयल बनने टाइम होता है एंड इसको प्रॉपरली मिक्स करते रहना है। वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना विथ बेल आइकन एंड देख सकते हो आप लोग प्रॉपरली ऑयल बन रहा है इसको चलाते रहना है। एक ऑयल और मैं इसमें ऐड करूंगी और थोड़े से कुछ और इंग्रेडिएंट्स जो हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है सिर्फ हेयर ही नहीं स्किन के लिए। आप चाहो तो इसको अपने स्किन पे लगा सकते हो नेल पे लगा सकते हो लेकिन हाँ अगर आपकी स्किन ड्राई है तभी आपको सूट करेगा। ऑयली स्किन को थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगाना ये बेस्ट नहीं होता है। ओके तो मैं
विंटर में लगा लेती हूँ अपने फेस पे ऑयल को, बट समर में मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समर में मैं अगर अपने हेयर पे भी ऑयलिंग करती हूँ तो वो मेरे फेस पे आ जाता है। ओके, तो इसीलिए आप लोग देख सकते हो प्रॉपर हमारा ऑयल रेडी हो रहा है, और बिल्कुल टाइम देख के मैंने इसको 20 मिनट के लिए बनाया हुआ था, आपको भी 20 मिनट के लिए बनाना है। आप लोग देख सकते हो झाग कितना अच्छा सा आ रहा है। एंड गाइस, कद्दू में कुछ ऐसे मिनरल्स, कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट एंड बेस्ट होता है। ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने पूरा ऑयल बनाने के बाद निकाल लिया हुआ है, एंड अभी मैं इसको स्ट्रेन करूंगी आप लोग के सामने, देख सकते हो अच्छे तरीके से ऑयल को मिक्स कर रही हूँ। एंड यहाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी इसलिए आपको आवाज में कुछ चेंजिंग लग सकता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक स्ट्रेनर की हेल्प से मैं इसको स्ट्रेन करूंगी। वैसे मैं कभी कभी हाथों से भी प्रेस करके कर लेती हूँ, बट अभी ऑयल थोड़ा सा हीट था इसलिए मैंने स्ट्रेनर का यूज किया, और ये थोड़ा सा ना ऑयल लाइक जो हमारा कद्दू था वो पिसा हुआ था ना, इसलिए स्ट्रेनर से स्ट्रेन करना जरूरी था, क्योंकि हाथ से करूंगी तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे चल जाएंगे जो थोड़े से हमारे स्कैल्प में फंस सकते हैं। ओके, आप लोग देख सकते हो कद्दू जो हमारा है बिल्कुल भी जला नहीं है, लाइक रोस्ट हुआ है, जो रोस्ट होना होता है जिससे सारी ऑयल में उसकी गुडनेस चली जाए, जस्ट उतना ही हुआ है। ओके, और मैं एक बात बता दूं, ऑयल को जब आप प्रिपेयर करोगे तो एक मीठी से आपको स्मेल आएगी, जैसे कि सोंधापन टाइप्स, उतना पे इनफ होगा आपका ऑयल वहां पे डन हो जाएगा। ओके, और इतना तो आप लोग फील कर ही सकते हो अगर किचन में रहते हो तो, नहीं किचन में जाते होगे तो नहीं समझ पाओगे, बट हाँ 20 मिनट के लिए टाइम देख के आपको बनाना है प्रॉपरली। ओके, यहाँ पे देख सकते हो अच्छे तरीके से सारे ऑयल को मैं स्ट्रेन करूंगी, एंड इसमें मैं अभी एक दो इंग्रेडिएंट्स और मिलाऊंगी, अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हो, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, एंड यार नीचे कमेंट आउट जरूर कीजिएगा आप लोग को ये मेरा ऑयल की रेसिपी कैसी लगी, एक बार ट्राई करिएगा कम से कम 1 वीक के लिए बना के, आप इसको अप्लाई करके कुछ रिजल्ट फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे को जो एक बार में इसकी गुडनेस दिखी वो ये था कि बाल बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं, क्योंकि कद्दू में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो हमारे बालों को नेचुरली स्मूथ करता है। ओके, आप लोग देख सकते हो ऑयल हमारा निकल चुका है, इसमें मैं अपना जो भी सेकंड इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करूंगी, जो कि होगा कैम्फर कपूर, ये हेयर के और स्किन और बॉडी के लिए ही आता है, जो सॉफ्ट वाला होता है। मैंने कपूर पे प्रॉपर एक वीडियो डाली है कौन सा बेस्ट होता है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एक पूरा कपूर तोड़ के डाल देना है इसमें, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छा करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बेबी हेयर लेके आता है। अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ, इचीनेस, इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम है, सबसे आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है, ये बेस्ट चीज है। यहाँ पे मैं कैस्टर ऑयल ऐड कर रही हूँ, आपके पास है जरूर ऐड कीजिएगा, नहीं है स्किप कर सकते हो।